बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एसेट अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसको जनरल लेजर भी कहते हैं और अकाउंट भी कहते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं। और इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसी एसेट की, नॉन करंट एसेट की। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, मोटर व्हीकल विच कॉस्ट 12,000 पाउंड्स वॉज बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रक्स लिमिटेड ऑन 1 January 2009। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली टू 31 December 2009 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल इज प्रोवाइडेड एट 25% पर एनम अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, मोटर व्हीकल अकाउंट बनाएंगे इसका, और एक्युमुलेटिव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे मोटर व्हीकल का फॉर फर्स्ट 2 years के लिए। अब इसमें हमारे पास परसेंटेज जो दी गई है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की 25% है और कॉस्ट उसकी 12,000 पाउंड्स है और परचेज किया हमारे कैरेक्टर हैं जो ट्रक्स लिमिटेड है और ईयर एंड है 31 December। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम इंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, मोटर व्हीकल अकाउंट जिसको कहते हैं, उसमें जनरल इंट्रीज करेंगे जो हमने उसकी परचेजिंग की है। अब इसका ये होता है डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड विल बी डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी क्रेडिट साइड। अब इसमें हमारे पास इसकी कॉस्ट है 12,000 पाउंड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया ट्रक्स लिमिटेड से, 1 January 2009 इसकी डेट है। अब ये देखिए हमारे पास 2009 में 1 January 2009 ट्रक्स लिमिटेड पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है, क्योंकि ये 12,000 पाउंड्स का हमने ट्रक्स लिमिटेड से परचेज किया। अब जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो हमारे पास मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट होता है और ट्रक्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट होता है। अब मोटर व्हीकल अकाउंट में हम डेबिट कर रहे हैं मोटर व्हीकल को 12,000 से, और ट्रक्स लिमिटेड को इसलिए एक पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है कि ये, क्योंकि ये क्रेडिट होता है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास कोई और इसकी परचेजिंग नहीं है इन 2009 में, तो 31 December को हम इसका बैलेंस ले लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस दैट इज़ ऑल्सो 12,000 पाउंड्स। इससे दोनों साइड्स इक्वल हो गई, अब टोटल इसके 12,000 और 12,000 पाउंड्स आ गए। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस था क्रेडिट साइड पे आ रहा था, ये डेबिट बैलेंस होता है, जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो डेबिट के इंक्रीज करने की वजह से होता है। अब क्रेडिट साइड हमारी ज़ीरो थी, हमें 12,000 पाउंड्स लेना पड़ा बैलेंस क्रेडिट साइड पे, तो ये डेबिट बैलेंस होता है। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस लेते हैं 2010 का ओपनिंग बैलेंस, 2009 का प्रीवियस का, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। अब ये ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस ही होता है जो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। अब 1 January 2010 को ओपनिंग बैलेंस होगा 12,000 पाउंड्स। अब इसमें कोई परचेजिंग नहीं की, अब इसी को ही हम क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, 12,000 पाउंड्स को ही बैलेंस ले लेंगे क्लोजिंग राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे 12,000 एंड 12,000 पाउंड्स। इसके बाद है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज करेंगे एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की मोटर व्हीकल की। अब इसका अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, जिसको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। अब ये देखें एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है व्हीकल का। अब ये भी इसी तरह हम टी अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट साइड पे। अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी परसेंटेज दी गई है 25% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे इसमें। इसमें ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट साइड पे चार्ज होता है, क्योंकि ये एंटी एसेट होता है, एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होती है ये एंटी एसेट होती है, एसेट की वैल्यू को कम करती है, और एसेट की वैल्यू जो है डेबिट होती है, इसलिए ये क्रेडिट करेंगे तो उसकी वैल्यू को कम करेगा। अब इसकी कितनी 25% थी, अब 12,000 का 25% लेंगे उसकी कॉस्ट का, तो हमारे पास 3,000 आ जाएगा, 3,000 को क्रेडिट करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में ये क्लोज किया जाता है ईयर एंड पे, ये 31 December को हम चार्ज करते हैं। हर जो डेप्रिसिएशन है ना, प्रोविजन जो चार्ज करते हैं, कोई भी प्रोविजन है वो ईयर एंड पे चार्ज करते हैं। अब इस ईयर एंड है 31 December, तो उसको चार्ज किया। अब चूँकि ये इनकम स्टेटमेंट में इसमें डेबिट हो रही है और ये एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है,
अभी क्रेडिट साइड पे चार्ज कर दिया। अब इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, ये डेबिट होगा क्योंकि इसलिए हम इसको पर्टिकुलर कॉलम में लिख रहे हैं। अब जो कि हमारे पास ये डेप्रिसिएशन, ये 2009 में यही हमने चार्ज करनी थी इसी एसेट की, तो डेबिट साइड पे हम बैलेंस ले लेंगे जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा। अब 31 दिसंबर को हम बैलेंस लेंगे, बैलेंस सीडी 3000 और दोनों बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगी 3000 3000 से। अब ये वाला बैलेंस जो हमने 2009 को डेबिट साइड पे लिखा था, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ये 2010 में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, 1 जनवरी 2010 को ओपनिंग बैलेंस होगा 3000, 2009 का क्लोजिंग और 2010 का ओपनिंग होगा। अब नेक्स्ट में हम फिर चार्ज करेंगे। अब इसमें जो कॉस्ट थी उसकी 12000 थी, अब लेस 3000 करेंगे। लेस 3000 क्यों करेंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहलाता है, इसमें हम प्रीवियस जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है उसको कॉस्ट में से लेस करते हैं, फिर उसकी जो फिक्स परसेंटेज दी होती है उसको परसेंट हम उस पर फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उस परसेंटेज उसकी उतनी परसेंटेज चार्ज करते हैं। अब 12000 में से 300 लेस किया तो 9000, अब 9000 का 25% लेंगे तो 2250 होगा। अब ये हम इतनी चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड पे, यही इसकी भी यही एंट्री होगी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे चार्ज किया। इनकम स्टेटमेंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पर्टिकुलर कॉलम में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डेबिट होता है। अब इसका हमारे पास टोटल आ जाएगा 5250। अब हम दूसरी साइड पे भी उतना ही बैलेंस लेंगे 2010 के एंड पे, 31 दिसंबर 2010 को क्लोजिंग बैलेंस 5250। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब ये जो हमने बैलेंस लिया है 2010 का डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस 2010 का, ओपनिंग बैलेंस होगा 2011 का। अब 2011 का ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन 1 जनवरी 2011, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 5250। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हम फॉर 2 ईयर्स। इसमें सबसे पहले 2009 में देखेंगे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसमें हमने 3000 चार्ज की थी जो कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2009 को हमने चार्ज की थी 3000। उसके बाद हमने चार्ज की थी 31 दिसंबर 2010 में, वो थी 2250। अब ये देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2010, 2250। अब ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 5250। थैंक यू।